बर्नौल वैसे तो एक ट्यूब है जिससे कोई को अगर जल जाए चिक जाए तो आराम मिल जात, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में बर्नौल अचानक से प्रकट हो गया है। काय के कांग्रेस पार्टी के नेता नरेंद्र सलूजा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बर्नौल के दो ट्यूब पहुंचाए हैं। अमेजन पे ऑर्डर करके नरोत्तम मिश्रा के पते पे बर्नौल के जे ट्यूब पहुंचाए गए हैं। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व में बयान दो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनवे को लेके के कांग्रेस को बर्नौल की ज़रूरत है। सो यही किला ने अब कांग्रेस पार्टी ने बर्नौल के बाकायदा ट्यूब वही पहुँचा दिए हैं नरोत्तम मिश्रा के घरे। का बोले हैं नरेंद्र सलूजा, सुनो जरा। कांग्रेस ने जब सिंधिया जी की गद्दारी को लेकर बयान दिया था तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि कांग्रेस को वे एक बर्नौल भेजेंगे क्योंकि कांग्रेस को सिंधिया जी से जलन होती। तब प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेस ने कहा था कि बर्नौल की आवश्यकता तो नरोत्तम मिश्रा जी क्योंकि उन्हें रोज कुर्सी के चक्कर में शिवराज जी से जलन होती है। वे मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री बन नहीं पा रहे हैं। शिवराज जी रोज उन्हें निपटा रहे हैं। कैबिनेट में उनके और मुख्यमंत्री के बीच के झगड़े सामने आ रहे हैं। कमीशन व हिस्से के बंटवारे को लेकर सार्वजनिक रूप से वे लड़े हैं और जिस प्रकार से इंदौर को उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया और उनके जाने के पूर्व ही शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंच गए, पूरी दुकान लूट गए, तो लगातार शिवराज जी उन्हें निपटाने का काम चल रहा है। दोनों के बीच में कुर्सी का अंतर्द्वंद जारी है, संघर्ष जारी है। तो ऐसा लग रहा है कि शिवराज जी जिस प्रकार से रोज उन्हें निपटाते हैं, दोनों एक दूसरे को निपटाते हैं, उस प्रकार से बर्नौल की जरूरत नरोत्तम मिश्रा जी को है। तो हमने निर्णय लिया था कि कार्टून भर के बर्नौल उन्हें भेजेंगे लेकिन देखने में आ रहा है कि वो लगातार कमलनाथ जी को भी कोस रहे हैं। कल भी इंदौर में गए तो इंदौर में उन्होंने कहा कि दो की ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है क्योंकि कमलनाथ जी लगातार जनहितैषी काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। नेमावर कांड के बाद पीड़ित परिवार के बीच में गए तो कांग्रेस को कमलनाथ जी को कोसने का भी काम कर रहे हैं। तो हमने निर्णय लिया कि एक बर्नौल का कार्टून नहीं, उन्हें दो बर्नौल का कार्टून भेजेंगे। एक शिवराज जी से जो उन्हें जलन हो रही है, जो मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे उससे राहत के लिए, दूसरा वो कमलनाथ जी को जो झूठा कोस रहे हैं उससे राहत के लिए। उसी के लिए हमने भी तत्कालीन रूप से दो बर्नौल अमेजोन से ऑर्डर कर नरोत्तम मिश्रा जी के घर पे भेजिए ताकि तत्कालीन रूप से राहत के लिए वो इस बर्नौल का उपयोग करें और शायद हम उम्मीद करते हैं कि एक दो दिन में उन्हें डिलीवरी मिल जाएगी और इस बर्नौल का उपयोग करने के बाद वे शिवराज जी से जो उन्हें जलन मिल रही उसमें भी थोड़ी कमी आएगी और कमलनाथ जी को झूठा कोस रहे उसमें भी कम से कम राहत मिलेगी और कोसना बंद करेंगे। अभी हमने सैंपल के तौर पर दो ट्यूब कार्टून बर्नौल के भेजे, दो ट्यूब भेजिए, इसके बाद हम बर्नौल के पूरे कार्टून भर के दो उनके घर भिजवाएंगे। दरअसल जो पूरा मामला शुरू भाव तो तीन चार दिन पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्री बनवे के बाद सवाल पूछे गए तो नरोत्तम मिश्रा से सोनने कही थी कि कांग्रेस को बर्नौल की जरूरत है, काय को उनको जलन मच रही सिंधिया के मंत्री बनवे से। बर्नौल भिजवाऊंगा मैं उनके पास, उससे ही उनका ट्वीट ठीक हो पाएगा। आप ये जलन है मित्र, सियासत में जलन ईर्ष्या तो स्वाभाविक है, कोनू भी व्यक्ति को हो सकत, प्रतिस्पर्धा भी हो सकत, लेकिन बर्नौल की नई नई एंट्री भई है मध्य प्रदेश की सियासत में। अब की के जख्मों पे कितो मरहम लगा पाऊ जा बर्नौल, जो देखने पर है।